My dear students, good afternoon to all of you. Today we have to study remaining part of the first chapter, that is India size and लोकेशन। ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इसी को कंटिन्यू करते हुए अभी तक हमने ये पढ़ा, इंडिया कितने नामों से जाना जाता है। इंडिया इज नोन बाय फोर नेम्स। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे आई हैड टॉट टू यू अबाउट India's name, that was Aryavart, Bharat, Hindustan and India. Now we have to study today about the size of India in global context. Size. It means we have to study about the size of India on global level. Size means we will study size under two subheadings: size on the basis of area, size on the basis of population. It means whatever area or political boundaries under India, total land under political boundary of India is called size of India on the basis of area. Area is a mathematical word. तो हमें ये जानना है कि कितना area है इसका। तो जैसा कि मैं बताया था, 3.28 million square kilometers area out of total area of the world comes under our nation, that is India. अगर हम इसी एरिया को परसेंट में पढ़ें, एरिया इन परसेंट, टू पॉइंट फोर परसेंट आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज अंडर इंडिया. Now we should know overall position of our country. So overall position, overall position is seventh largest country in the world on the basis of area, occupied area. पूरे जितने भी देश हैं, approximately 205 countries are existing on the earth. Out of 205 countries on the basis of area, our country having seventh position. सातवां सबसे बड़ा देश है. Now a question comes that who are those countries who are or which are greater than India. It means you can see here हमारे देश का
सेवेंथ पोजीशन है, सेवेंथ लार्जेस्ट है, इसका मतलब हमें 1-6 पढ़ना है इन ग्लोबल लेवल पर कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है, और इस तरह क्रम में हमें ये पढ़ना है, तब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सातवां कैसे है। बिफोर इट हम लोग ये सीखेंगे द कंट्रीज विच आर ग्रेटर देन इंडिया। तो फर्स्ट कंट्री विच आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज रशिया। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का कंट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया बेसिस पर, ऑक्युपाइड एरिया में, और ये रियली दो कॉन्टिनेंट में एक्सटेंडेड है, और इसलिए इस कंट्री को यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? कि इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट यूरोप में है और रेस्ट पार्ट एशिया में है, इसलिए कंबाइंडली इसको हम लोग यूरेशिया कॉन्टिनेंट के रूप में भी जानते हैं। दूसरा कंट्री है कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, एरिया बेसिस पर इसका कनाडा का सेकेंड पोजीशन आता है। थर्ड इसी कॉन्टिनेंट में आप लोग जानते होंगे USA, क्या पूरा फॉर्म जानते हो इसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह भी इसी कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये तीन कंट्री आपको मिल गए। चौथा जो पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है चाइना का, क्योंकि आप लोग वेल नोन हो, जानते हो चाइना किस कॉन्टिनेंट में है? इट लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट, और अभी ग्लोबली चर्चा में है ड्यू टू कोरोना वायरस के चलते। पांचवा जो कंट्री है एरिया बेसिस पर पूरे वर्ल्ड में, वह है ब्राजील, और ये है साउथ अमेरिका का कंट्री, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और छठा जो है सिक्स है ऑस्ट्रेलिया, जो खुद कॉन्टिनेंट भी है और कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, हालांकि अब इसे ओशिनिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। और सातवा जैसा कि आपने देखा अपना देश इंडिया है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है जी? एशिया। कितने कॉन्टिनेंट हैं? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? सेवन कॉन्टिनेंट, यस ऑफ कोर्स। तो सेवन कॉन्टिनेंट में आपने देखा कि अंटार्कटिका छोड़ के लगभग कॉन्टिनेंट का तो नाम इसी क्रम में आ ही गया। नॉर्थ अमेरिका आ गया आपका, साउथ अमेरिका आ गया, यूरोप आ गया, एशिया आ गया, तो बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट छूटा सात में से? दो, बी फास्ट। तो दो कॉन्टिनेंट छूट गया, कौन? एक अफ्रीका और एक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो हैबिटेबल है नहीं, इसलिए छह कॉन्टिनेंट ही हैबिटेबल है, छह में पांच कॉन्टिनेंट आपके आ गए। इसका मतलब सात में से दो कंट्री एशियन कंट्री है जो पोजीशन रखता है, वह है चाइना और इंडिया। दो कंट्री नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो है कनाडा USA और बाकी यूरोप का एक, और नॉर्थ साउथ अमेरिका का एक। तो और इस तरह हो गया टोटल सात, यानी एशिया में दो,
नॉर्थ अमेरिका में दो, चार, साउथ अमेरिका में एक, पांच, और आपका इंडिया। तो इस तरह है, यू कैन सी दीज आर द साइज बेसिस, बट इट वाज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नाउ एट द सेम टाइम अनदर साइज वी विल स्टडी इन पॉपुलेशन। आपने देखा कि आपका देश जो है साइज में यानी एरिया में सातवां पोजीशन है, लेकिन पॉपुलेशन में ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे दूसरा पोजीशन, सेकेंड पोजीशन है। अगर हम सातवा पोजीशन इसमें भी पॉपुलेशन में भी रहते तो आज वर्ल्ड का हम सुपर पावर होते, वी विल वी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इफ आवर पॉपुलेशन हैविंग इन सेवेंथ पोजीशन। इट मींस 16% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन of the world lies in our country, 16% the position population के हिसाब से, यानी कि total population आपके यहाँ 1.30 billion, यानी 1,30,00,000 approximately on the basis of 2011 census report, ये आपका population position है यानी size है। अब आइए in the shape, तो ये आपका size basis पर भारत की स्थिति ये है। area में दो हमने आधार बनाया, एक area के आधार पर size का, दूसरा हमने बनाया पॉपुलेशन के आधार पर साइज का। अब आइए जो मेन टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, वो है लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन हम एक टेक्निकल वर्ड है। हम लोग कहीं भी जाते हैं सबसे पहले मैप को देखते हैं, मैप में उसके क्या पोजीशन है इंडिया का उसको देखेंगे। ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। इक्वेटर लाइन। इसका मतलब इस लाइन से ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है? यानी कि देख रहे हो कि होल ग्लोब यानी अर्थ को चार पार्ट में बांटते हैं, मेरिडियन बेसिस दो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, लैटिट्यूड और इक्वेटर बेसिस नॉर्दर्न और साउदर्न। तो हम देखेंगे ग्लोबल पोजीशन ऑफ आवर कंट्री। तो ग्लोबल पोजीशन ऑफ मेनलैंड दैट इज 8 degrees 4 minutes north latitude। इसका मतलब हुआ कि यह जो है आपका देश जो है 8 degrees 4 minutes यानी इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एन का मतलब ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट क्लियरली शोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम लोग फिर देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड के आधार पर कहाँ है। तो 68 degrees 6 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 degrees 25 minutes
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल यानी 68, मान लो इसको ये 68 डिग्री है और ये है 97, और इंडिया का लैटिट्यूडनल था 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि ये 8 डिग्री है और इसको मान लो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देख रहे हो ये है 68 डिग्री 6 मिनट, दिस इज 97। कैन यू लोकेट द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब? तो ऑफ कोर्स इफ वी विल सेट दिस पार्ट इट क्लियरली शोज लोकेशन ऑफ आवर कंट्री इज बिटवीन दिस, यानी लैटिट्यूड के हिसाब से 8 डिग्री 4 मेनलैंड की बात कर रहा हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच, यानी कि ये लोकेशन है। अब इस लोकेशन जो शेडेड पार्ट है, यही लोकेशन पोजीशन जो है आपके देश का ग्लोबल में है। इट इज द पोजीशन ऑफ आवर कंट्री ऑन द ग्लोबल लेवल। कैन यू से इट मींस क्लियरली शोज योर कंट्री लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस इज द लोकेशनल सेटिंग ऑफ इंडिया and fortunately in between a middle part that is 23.5 degree which is known as Tropic of Cancer divides actually in between two parts or two area or midway your Tropic of Cancer passes through it. This was the first locational setting of India. It is the unique. Now we will study about the total latitudinal extension and total longitudinal extension so that accurate see or real way में हम लोग पता कर पावे कि what are the locational setting or importance of locational setting of India. Okay? Have you any problem? 10 minutes.